Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all doing well. So, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये सिल्वर ग्लैमरस आई लुक मेकअप, जिसे आप वेयर कर सकते हैं किसी भी पार्टी पे, ब्लैक ड्रेस के साथ, ग्रे ड्रेस के साथ, और स्पेशली आप इसे वलीमे पे भी क्रिएट कर सकते हैं अपने वलीमा लुक पे. तो बहुत इजी तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. तो मेक श्योर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें चैनल को. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो लेंजेस मैंने वेयर किए हैं द हाफ के 3-tone ग्रे, जो कि आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे. तो यहाँ पे मैं पैलेट ले रही हूँ ग्लैमरस की पैलेट, जो आप लोगों के पास होगी, यकीनन होगी आप लोगों के पास. और इसमें से मैंने ये ब्राउन सा शेड लिया है एज अ ट्रांजिशन शेड, इसे मैं अप्लाई करूँगी और साथ ही साथ इसको मैं ब्लेंड आउट करूँगी. अब ये मैंने राउंड सा ब्रश लिया है और उस पर मैंने ब्लैक शेड लिया है, और इसे मैं पहले आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी. जस्ट थोड़ा सा अप्लाई करूँगी ब्लैक शेड को, एक कॉर्नर की शेप दूँगी, और इसके साथ मैं इसको साथ ही साथ ब्लेंड आउट कर दूँगी. नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये वाला ग्रे शेड, और मैंने ये ग्रे शेड लिया है फ्लैट ब्रश पे, और इस तरह से मैंने इसको डायरेक्टली अप्लाई किया है अपनी आईज़ पे. आप चाहें तो क्रीज को कट भी कर सकते हैं, बट मैंने इसको डायरेक्टली ही अप्लाई किया है. साथ ही साथ इसकी मैं थोड़ी सी ब्लेंडिंग करूँगी इस पिंक शेड के साथ, पिंक ब्राउन शेड के साथ. ब्लेंडिंग मैं यहाँ से बहुत अच्छी तरह से करूँगी. एज यू कैन सी कि ब्लेंडिंग से ही आपकी आईज़ की जो है वो लुक आती है. अच्छी तरह से मैंने इसकी ब्लेंडिंग की है. और ब्रशेज़ का आप लोग पूछते हैं तो ब्रशेज़ यहाँ पे ज़ोयबा के ब्रशेज़ यूज़ कर रही हूँ मैं. नेक्स्ट मैंने अगेन ग्लैमरस फेस की पैलेट में से ये सिल्वर सा शेड लिया है, जो कि शिमरी शेड है, और इसे मैंने डायरेक्टली ही अप्लाई किया है, कोई मैंने क्रीज को कट नहीं किया. नेक्स्ट अगेन मैं इसके एजेस को थोड़ा सा ब्लेंड आउट करूँगी, ताकि हमारा जो शेड है वो ब्लेंड आउट हुआ हुआ लगे और नीटनेस आए. और यहाँ पे मैंने फाउंडेशन दी है मेबेलिन की इन शेड 128, और लोअर लैश लाइन पे मैं वो ही सेम दो शेड अप्लाई करूँगी, ब्लैक और ब्राउन, जो कि मैंने एज अ ट्रांजिशन शेड अपनी आईज़ की कंटोरिंग की थी उस शेड के साथ. नेक्स्ट मैंने ये वाला लिक्विड आई शेडो लिया है, बिल्कुल टोटली ऑप्शनल है. अगर आप ये ग्लिटर नहीं है आपके पास, तो आप फ्रेश ग्लिटर या आपके पास कोई भी ग्लिटर है आप वो अप्लाई कर सकते हैं. मैंने लिया है क्राइलोन का एक्वा केक आईलाइनर लिया है, और इसे मैंने जस्ट थिन सी एक लेयर अप्लाई की है अपनी लैश लाइन को देखते हुए, उसको फॉलो करते हुए एक बारीक सी थिन सी लाइन अप्लाई की है, और इसको थोड़ा सा मैंने जस्ट अपनी आई से बाहर को ड्रैग किया है, और इस तरह से मैंने एक विंग ड्रॉ किया है. आप इस तरह से ईजीली अप्लाई कर सकते हैं विंग को, जैसे चाहें आप थिन कर लें या थिक, जैसे आपकी आईज़ पे सूट करता है. नेक्स्ट मैंने लिया यहाँ पे लैशेज़ ले रही हूँ, टीवी पॉलर की लैशेज़ हैं और बेस्ट लैशेज़ हैं, ईजीली अप्लाई हो जाती हैं और बिल्कुल भी आपकी आईज़ पे हैवीनेस नहीं होता फील. और इस तरह से मैंने सिंपली इस पे लैश ग्लू अप्लाई की है, 15 सेकंड के लिए मैंने इसको ड्राई होने दिया, और इस तरह सेंटर में मैंने इसको रखा है, और साइडों से इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर लिया अपनी लैशेस के साथ. बहुत ही सिंपली अप्लाई हो जाती हैं आपकी लैशेस. और वाटर लाइन पे मैंने अप्लाई की है वाइट पेंसिल, आप चाहें तो ब्लैक काजल भी अप्लाई कर सकते हैं. और सेम पैलेट में से मैंने ये शिमरी शेड लिया है वाइट का, और इसको मैं एज अ हाइलाइटर अप्लाई करूँगी ब्रॉ बोन पे, अपने टीयर डक्ट को हाईलाइट करूँगी, और यहाँ पे हमारी लुक होती है फाइनल. होप सो आपको ये वीडियो और ये लुक अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी. और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा. मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू लुक के साथ. टिल देन टेक केयर.